नमस्कार। आजकल मैं बहुत से ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिसमें कई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपको 2 घंटे में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे, 199 रुपीज़ में एस्ट्रोलॉजी सिखा देंगे। तो मैं उनसे पहले पूछना चाहूँगी कि क्या उन्होंने भी 2 घंटे में सीखी है, जबकि वो खुद दावा करते हैं कि हमारी 8 साल लगे हैं, हमें 10 साल लगे हैं। तो एक डिग्री करने में 5 साल लग जाते हैं, ग्रेजुएट होने में भी 5 साल लग जाते हैं, मेडिकल में भी लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि घंटों में एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है, जबकि बाकी प्रोफेशंस में आप डिग्री लेकर और उसको आप प्रोफेशन में ला सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बदलता है। आप सोचिए, जब हमारे शास्त्र लिखे गए थे तो क्या उस टाइम ये फ़ोन था, जबकि ये राहु होता है। उसी तरह से उस टाइम हमारे घरों में जो है इतनी टॉयलेट्स नहीं होती थी। उस टाइम हमारे घरों में एक मंदिर होता था और मुश्किल से एक टॉयलेट होती थी, और आजकल एक मंदिर है और घर में 4 टॉयलेट है। राहु कितना है, कितना ज़्यादा राहु है। तो आप ये सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वक्त के साथ बदलता भी है और इसकी रेमेडीज भी बदलते हैं, और इसको आप लाइफ टाइम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही इसको जान और समझ सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि घंटों में एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है? दूसरी चीज़, कोई भी प्रोफेशन है, मान लो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए, आपको पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है तो मंगल अच्छा होना चाहिए, टीचिंग में जाना है, एस्ट्रोलॉजी में जाना है तो जुपिटर, केतु और चंद्रमा अच्छे होने चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति क्या इन प्लैनेट्स के बिना सीख सकता है? जबकि आजकल एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा दावा करते हैं कि हम किसी को भी सिखा सकते हैं, आप जानिए, आप समझिए, इतना आसान नहीं है। लोगों को मत बहकाइए और लोग भी मत इनकी बातों में आइए। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से, जिसको एक अच्छा ज्ञान हो, उससे ही सीखिए और उससे ही समझिए। और इसको एक प्रोफेशन में लाने के लिए भी आपके प्लैनेट्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी। धन्यवाद।